हेलो एवरीवन, गार्डनिंग विद मलविंदर कौर चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह डैंथस के फ्लावर के साथ, और अभी बहुत सारे विंटर्स के अभी भी जो है डैंथस हो गया तो, और डेजी वगैरह काफ़ी फूल खिल रहे हैं, तो मेरे ये डैंथस बहुत अच्छे से खिल रहे हैं और अलग अलग कलर्स में है। ये बिगोनिया बहुत ही प्यारा कलर है। ये भी परमानेंट प्लांट है और डैंथस भी परमानेंट प्लांट है। अगर आप अभी भी नर्सरी से इनको लेकर ला सकते हैं तो लगा दीजिएगा, क्योंकि ये परमानेंट है और गर्मियों में भी फूल दे देते हैं, और बिगोनिया भी चलने वाला प्लांट है। तो आज का वीडियो मेरा रहेगा नींबू प्लांट के ऊपर ढेरों फूल आए हैं और उन्हें हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे ज़्यादा फ्रूटिंग ले सकते हैं, और कुछ टिप्स मैं शेयर करूंगी। और ये देखिए गेंदा के फ्लावर हैं और बहुत सारे और भी फ्लावर्स हैं मैं मेरे गार्डन में खिले हुए हैं, तो मैं धीरे धीरे करके एक दिन वो भी शेयर करूंगी। ये डेजी पिंक कलर का फ्लावर है और स्टॉक्स फ्लावर वगैरह सभी तरह के जो फ्लावर हैं मेरे अभी भी ब्लूम हो रहे हैं। तो वीडियो की शुरुआत से पहले हमेशा की तरह, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और ये हैं गजानिया के। गजानिया जब भी धूप होती है तो पूरे खिल जाते हैं। अभी ये थोड़ा इवनिंग का टाइम है और मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो गलाडिया भी अभी विंटर्स में भी खिलते रहते हैं और गर्मियों में भी बहुत जो है फूल देते हैं। तो ये स्टॉक्स फ्लावर में की बात कर रही थी, ये स्टॉक्स के जो है स्टॉक्स फ्लावर अभी भी ब्लूम हो रहे हैं और बहुत सारी स्टॉक्स खिलती रहती हैं। और चलिए नींबू के पेड़ के ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ मेरे कितने ढेरों फ्लावर हैं और हमेशा आते ही रहते हैं। और मैंने एक दो बार नींबू का अपना वीडियो भी शेयर किया है। और ये मेरा जो प्लांट है सीड से लगाया हुआ प्लांट है और ये मेरे ग्राफ्टेड प्लांट हैं कुछ, और नींबू देखिए इनके ऊपर बारहमासी हैं। तो बहुत सारे मैंने हार्वेस्टिंग भी की है और अभी भी खिलते हुए जो है फ्रूटिंग बनती हुई आपको नज़र आ रही है। तो देखिए मेरा ना ये वाला जो प्लांट है, आगे मैं इसका एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, बीज से लगाया हुआ है ये वाला जो मेरा नींबू का प्लांट है, और कितने टाइम में इसके ऊपर फ्रूटिंग हुई थी वो मेरा वीडियो आप ज़रूर देखिए मेरे चैनल पे जाके। और ये देखिए इतने सारे ढेरों फ्लावर हैं। अगर आपके नींबू के ऊपर भी ढेरों फ्लावर हैं तो कुछ टिप्स फॉलो करेंगे। ये देखिए मैंने ना कटिंग की थी और ये कटिंग मैंने थोड़ा सा अर्ली फैब की थी, क्योंकि फैब के जो सीज़न होता है उसके ऊपर ये फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं फैब मंथ में, तो मैंने थोड़ा सा इसे पहले ही कट कर दिया था। इसकी प्रूनिंग कर दी थी, हार्ड प्रूनिंग की थी, क्योंकि बहुत सारी जो है इसकी ब्रांचेस फैल चुकी थी तो मुझे इतना नहीं चाहिए था। और कई बार क्या है, ये देखिए फूल हैं तो झड़ भी जाते हैं, बहुत सारे फूल खिलते हैं और झड़ते रहते हैं। तो अगर आपके प्लांट के ऊपर भी फूल हैं तो वो झड़ रहे हैं तो आप कुछ टिप्स फॉलो ज़रूर करिएगा, तो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। तो पहले ही तो ये फैब का मंथ है, तो जो भी आप खाद कंपोस्ट वगैरह देना चाहते हैं इस प्लांट के अंदर वो ज़रूर दे दें, ताकि जो है इनको अभी हैवी फीड की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसने फ्रूटिंग और फ्लारिंग बनानी होती है तो नई ब्रांचेस भी निकालनी होती हैं। ये वाला काम तो आप पहले करें, उसके बाद थोड़ी सी अभी कोई फ़ायदा नहीं है हार्ड प्रूनिंग का, ये थोड़ा अर्ली फैब ही करना पड़ेगा आपको, जैन के महीने में ही करना पड़ेगा। तो अभी मत करिएगा, क्योंकि आपका जो फ्लारिंग का हो रही है प्लांट के ऊपर वो आपको फिर फ्रूटिंग कम मिलेगी। इसके अलावा तो आप खाद के अलावा एक मैं आपको बताती हूँ, जब फ्लारिंग स्टार्ट हो जाती है आपके प्लांट के अंदर तो आप पानी का ध्यान रखें, पानी इनको ज़्यादा मत दें। अगर ज़्यादा पानी दोगे तो इसके जो फ्लावर हैं वो कम होते जाएंगे, झड़ते रहेंगे। तो इस टिप्स को जो है ज़रूर आप अपने प्लांट के फ्लारिंग के दौरान फॉलो करें, ताकि आपके प्लांट के अंदर जो है फूल खिले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नींबू बन सके
सके और ज़्यादा जो है आपको फ्रूटिंग मिल सके। खाद देनी है और प्रूनिंग का अभी टाइम वैसे तो फेब में ही होती है हार्ड प्रूनिंग, बट जिनके ऊपर फूल आ जाते हैं फ्रूटिंग वाले प्लांट्स के ऊपर, वो थोड़ी आप दिसंबर के एंड में या फिर जैन के फर्स्ट या सेकेंड या लास्ट वीक में आप कर सकते हैं, जब तक इसके ऊपर फ्रूटिंग या फ्लारिंग नहीं होती। तो उनके ऊपर जब आप थोड़ी सी हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं तो आपका जो प्लांट है वो हेल्दी भी हो जाता है और अच्छी फ्लारिंग और फ्रूट में होती है। तो ये मेरे ना कुछ टिप्स थे, आपसे मैंने काफ़ी दिनों से शेयर भी करने थे, तो मैंने सोचा मैं जो है मेरे बहुत अच्छे मुझे रिज़ल्ट मिलते हैं इन टिप्स को फॉलो करेंगे आप, तो आपको भी मिलेंगे और आपके जो नींबू के अंदर फ्लारिंग और फ्रूटिंग होगी खूब होगी। तो इन टिप्स को फॉलो करिएगा और पानी का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ज़्यादा पानी मत दें, वीक में एक आध बार या वीक में अगर जब देखें आपकी सॉइल ड्राई है तभी दें। तो ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे से इसकी जो है ग्रोथ भी हो रही है, नई नई पत्तियाँ अब खिलने आ रही हैं, सॉरी जो है फूल तो खिल ही रहे हैं, पत्तियाँ भी इसकी नई नई अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो मेरे जो चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, टिप्स को फॉलो करिएगा ताकि आपके नींबू के ऊपर ढेरों फल और फ्रूट आए, फूल भी आए, तो अच्छी ग्रोथ हो, इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो तब अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे और नए टिप्स के साथ, नए प्लांट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें, खुश रहिए, फूल और फल के पौधे जो हैं आप लगाते रहें अपने गार्डन में तो अच्छे अच्छे फ्रूट और फल पाते रहें। अब समर के जो सीडलिंग है वो आ चुकी है, मिंका वगैरह की आप ला सकते हैं, और जो जो आपने गर्मियों में फूल लेने उसकी प्लांट अभी सीड वगैरह लगाएं। तो हैप्पी गार्डनिंग, खुश रहिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, हैप्पी गार्डनिंग।